أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم या रसूल अल्लाह मेरे आका या रसूल अल्लाह मेरे आका न मैं तख्त मंगा न मैं ताज मंगा न मैं मंगदियाँ मैनू जल मिल जाए न मैं मंगदियाँ मैनू जल मिल जाए मेरे सोने आका अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे बेठिकाना हूँ अजल से मुझे घर जाने दे मौत पे मेरी शहीदों को भी रश काएगा मौत पे मेरी शहीदों को भी रश काएगा अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे रोके रिजवाना मुजफ्फर को दरे जन्नत पे रोके रिजवाना मुजफ्फर को दरे जन्नत पे ये मुहम्मद का है मंजूर नजर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जा रीह जाने बढ़िया दिल नो रीह जाने बढ़िया दिल नो ए जावा मदीने वाले री जाने बढ़िया दिल नो री जाना बढ़िया दिल नो ए जावा मदीने वाले री जाना बढ़िया दिल नो ए इश्क दिए नगरी वखरे असूल से दे ए इश्क दिए नगरी वखरे असूल से दे ओ जिंद दे के यार मिलदा ओ जिंद दे के यार मिलदा ऐसो दे नहीं सवले री जाना बढ़िया दिल नू
री जाना बढ़िया दिल नू अजावा मदीने वाले री जाना बढ़िया दिल नू री जाना बढ़िया दिल नू ओ जावा मदीने वाले री जाना बढ़िया दिल नू इन्ने नसीब के थो एह सोच सोच रोवा इन्ने नसीब के थो एह सोच सोच रोवा होवा मैं दफन सादिक होवा मैं दफन सादिक आका दे कदमा थले री जाना बढ़िया दिल नू री जाना बढ़िया दिल नू हाय जावा मदीने वाले री जाना बढ़िया दिल नू री जाना बढ़िया दिल नू ओ जावा मदीने वाले री जाना बढ़िया दिल नू जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हैं जनाब? वालेकुम सलाम। आपका नाम भाईजान? मोहम्मद रफ़ीक मेरा नाम है। तो मैं बेसिकली तो रिसर्च स्कॉलर हूँ कॉम सेट्स का। मैंने कॉम सेट साइट में मास्टर किया हुआ है और पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने इकनॉमिक्स में मास्टर किया हुआ है। इसके अलावा मैं 3 साल सर्व करता रहा हूँ फेडरल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और उसके बाद मैं फिर यहाँ पर आबाद आ गया, तो यहाँ पर मैंने अपना ये जो सेटअप है वो स्टार्ट किया। स्कूल का नाम हाईटेक एजुकेशन सिस्टम है, ये मंडिया में एग्जिस्ट करता है जी। कितना अर्सा हो गया इस स्कूल को? मेरा तकरीबन स्कूल के साथ 8-9 साल स्टार्ट है अभी जी। तो बच्चों के वालदैन को शऊर है? स्कूल तो बहुत है यहाँ पर। सर जहाँ तक बच्चों के वालदैन की बात है तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं जब हम उनको डील करते हैं। इवन के बावजूद बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अगर हम उनको यहाँ पे कॉल करेंगे और ऑफिस में बुलाएंगे तो हम तो उनके फ़ायदे के लिए यहाँ पे उनको बुला रहे होते हैं, लेकिन वो इस बात को समझते नहीं हैं और वो उल्टा इस चीज़ पे भी रजिस्ट कर रहे होंगे कि मतलब आप हमें क्यों टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। इवन के हमें एफ़र्ट्स करनी चाहिए और बच्चों के वालदैन के अंदर शऊर पैदा करना चाहिए कि आप इदारों के साथ जुड़े रहें, मुंसलिक रहें, ताकि आपके बच्चे जो हैं एक प्रॉपर ट्रैक पर लाए जा सकें। अच्छा मोहतरम, ये सबका लॉकडाउन हुआ है जी जी, बल्कि अभी कोरोना के हालात आपके सामने हैं, तो हुकूमत ने कोई तावन किया आपसे? सर दावे तो बहुत किए गए लेकिन फिज़िकली और प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि स्कूल्स के रास्ते में उल्टा हर्डल्स पैदा की गई। इवन के आप स्कूल को खोल नहीं सकते, ऑफिस नहीं खोल सकते, आप बच्चों को ऑफिस में नहीं बुला सकते। तो अगर आप जनरली देखें, पूरी दुनिया का ट्रेंड भी देखें और ख़ासतौर पर अगर पाकिस्तान का, और फिर अगर स्पेसिफ़िक मैं बात करूँ के पी के का, तो यहाँ पे बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं। मिनिस्टर साहिबान ने तो अनाउंस कर दिया कि आप ऑनलाइन बच्चों को तालीम पे लें, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम रहा बच्चों के हवाले से कि हमारे 80% बच्चों के पास इंटरनेट की और ये सहूलतें मौजूद नहीं हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों की तालीम पे बहुत बड़ा खर्च हुआ, हमारे स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, बच्चे हमें ये स्कूल तो क्लोज़ हो गए। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो क्लोज़ हो गए, और उसकी वजह भी यही थी कि पॉलिसीज को प्रॉपरली जो है वो लॉन्च नहीं किया गया, या विदाउट सोचे समझे ये पॉलिसी ले आई गई। होना ये चाहिए था कि प्राइवेट स्कूल्स के नुमाइंदों के साथ मीटिंग रखनी चाहिए थी किसी भी अनाउंसमेंट से पहले, और फिर प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो पॉलिसी लेके आते, उसमें प्राइवेट स्कूल भी शामिल होते, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग गवर्नमेंट से ज़्यादा हम आगे बढ़ चढ़ के इस काम में हिस्सा लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि कम से कम आने वाले 10-20 साल जो है एजुकेशन सेक्टर जो है वो इन मसाइल का सामना करेगा। अच्छा मेरे भी ये बताएं कि क्या चाहिए गवर्नमेंट को, स्कूलों को क्या सपोर्ट दें? सबसे पहली चीज़ तो गवर्नमेंट को चाहिए थी ये कि इस वक्त स्कूल जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुके हैं, जैसे कि वर्बली तो हमारी बात हुई थी मिनिस्टर एजुकेशन से भी, लेकिन उन्होंने भी प्रैक्टिकली जो है या फाइनेंशियली हमें कोई सपोर्ट नहीं दी। तो अभी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि स्कूल का सर्वे किया जाए प्रॉपर, जो स्कूल जिस मसाइल का शिकार है उन मसाइल को हल किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ये स्कूल बेहतर तौर पर गवर्नमेंट के शाना बशाना खड़े हों। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट सेक्टर में जो तालीम दी जा रही है उसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल भी अपनी एफर्ट ज़रूर कर रहे हैं और अपनी हद से बढ़ के कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा बोझ है जिसको प्राइवेट स्कूल जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को उस पर एक यूँ समझ लें कि उनके साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि स्कूल्स की राह में वो रोड़े अटकाए जाएँ, तो हमें मिल बैठना चाहिए और एक अच्छा जो सलूशन उसकी तरफ आना चाहिए। अच्छा मेरे भाई, बच्चों के वालदैन को कोई पैगाम दें अपने स्कूल की तरफ से?
मेरा अपने स्कूल के हवाले से भी और इसके अलावा भी तमाम वालदैन से के लिए जो मेरा मशवरा है और मेरा पैगाम है कि काइंडली जब भी स्कूल आपको कॉल करता है या बुलाता है तो आप स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन से आप ज़रूर मिलें। इसमें देखें आपके बच्चे का फ़ायदा है, अगर आप स्कूल से टच नहीं हैं आप उसको कैसे ट्रैक करेंगे कि बच्चे की पोजीशन क्या है, वो स्कूल में किस क्या रोल प्ले कर रहा है, स्कूल अपना क्या रोल प्ले कर रहा है। और शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब भी हम कॉल करते हैं तो हर एक पेरेंट ये असेस कर रहा होता है कि सिर्फ इसलिए कॉल की गई कि हमने फ़ीस जमा करनी है, हालांकि हमारा ये मकसद नहीं है। डेफिनेटली हमारे भी एक्सपेंसेस हम फीस तो हम जमा करेंगे, लेकिन हम फीस को भी किसी लॉ आर्डर के मुताबिक जमा कर रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी हम उसी पॉलिसी को फॉलो करें। गवर्नमेंट ने जब कहेगी डिस्काउंट दें हम डिस्काउंट भी देंगे, कोरोना डिस्काउंट हमने दिया है, सब बच्चों को दिया है, इवन कि गवर्नमेंट हमें 20% का और हमने 50% दिया। लेकिन अगर इसके बावजूद वालदैन हमें हमसे तआवुन नहीं करेंगे तो इसमें आपके अपने बच्चों का भी नुकसान है, स्कूल का भी नुकसान है, और सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है हमारे एजुकेशन सेक्टर में हमारे टीचर्स का हो रहा है कि टीचर्स उस तरह से डीमोटिवेट हो जाएंगे जब बच्चे कोऑपरेट नहीं कर रहे, पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो फिर जब हमारे स्टाफ मेंबर डीमोटिवेट हो जाएगा तो उससे बच्चों की तालीम में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो काइंडली आप टीचर्स का भी ज़रूर सोचें और उनके स्टडी ट्रैक का आप ज़रूर सोचें, क्योंकि अगर आप बच्चे को टाइम पर नहीं लेके आ रहे या बच्चे का आपका बच्चा उसको फॉलो नहीं कर पा रहा टीचर को, तो फिर आने वाले वक्त में टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम होते हैं। जैसे मैं ख़ुद भी एक टीचर हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चा एक दिन भी छुट्टी कर लेगा या आपकी कोऑपरेशन नहीं होगी और एक बच्चा अगर टेस्ट प्रिपेयर करके नहीं आया, अब मुझे उसके लिए स्पेसिफिक फिर टाइम चाहिए होगा कि मैं उस बच्चे को उस लाइन पर ला सकूँ। तो काइंडली जब भी आपसे स्कूल के बारे में कोई भी स्कूल का बंदा आपसे रब्ता करता है आप हमसे ज़रूर पूछें, ऑफिस में आएँ विज़िट करें, और अगर बाद उसका हम रब्ता ना भी करें तो आपको चाहिए कि आप वीकली जो है स्कूल का विज़िट करें, ताकि आके बच्चे को एक अच्छी तालीम से नवाजा जाए।